असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर में लगे हरे वृक्षों को काटा। आज एक तरफ पूरा देश ऑक्सीजन की कमी को लेकर जद्दोजहद कर रहा है और सरकार वृक्ष लगाने की बात कर रही है और सभी को वृक्ष लगाने के लिए समझाइश दे रही है। वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम लालपुरा जनपद सुजालपुर के मंदिर परिसर में लगे हरे भरे वृक्षों को काट दिया गया, जिसकी शिकायत गाँव वालों ने पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग को दी। राजस्व विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया गया एवं वहीं पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को जल्द पकड़ने की बात कही। साथ ही गांव वालों का कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में अहिंसा फैलाने के लिए मंदिर परिसर के पेड़ काटे गए हैं। पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर पुलिस प्रशासन अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो गाँव वाले इसकी शिकायत ऊपर तक ले जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला? ये एक धार्मिक स्थल है, बहुत पुराना, बाबा देवनारायण धर्मशाला के नाम से, और सभी समाज के और आसपास के लोगों ने यहाँ पर मतलब सहयोग राशि इकट्ठे कर करके जो भवन निर्माण किया है। इसी के साथ में आप लोग देख रहे होंगे इधर ये हरे पेड़ लगे हुए थे, तो किसी आघात व्यक्ति ने आकर के उसमें आरी चलाकर उनको काट दिया। एक तरफ हम लोग अपने मेहनत के साथ में इनको लगाते हैं और एक तरफ लोग काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किसी असामाजिक तत्व का ही कारण होगा कि उसने ये काटे हैं। तो पटवारी साहब भी अभी यहाँ पर मौजूद है और पूरी प्रशासनिक टीम के साथ में यहाँ पर अभी निरीक्षण किया गया है, तो हम आशा करते हैं कि हमें न्याय मिले। सर, राजस्व विभाग की टीम द्वारा किस प्रकार की यहाँ पे कार्रवाई की गई? सर, कार्रवाई ये की गई कि कल 6 बजे करीबन में हमने देखा पेड़ को, तो ये गिरा हुई मिला जब हवा चली उसमें, तो हमारे से बोले 2-4 बच्चे हमने कि अपना पेड़ गिर गया, हम पेड़ देखने गए तो एक पेड़ तो गिर गया और दूसरा पेड़ खड़ा है, उसमें भी आरी आधी लगी है। हमने फिर सोचा यार ये तो कोई ने रंजित से काट दिया इसे। हमने जाके थाने पर रिपोर्ट डाली शाम को 8 बजे। 8 बजे के बाद में भी पुलिस आई थी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई वाली बात नहीं करी है, छाँचा माँचा करके चले गए हैं। और अगर पुलिस ऐसी लापरवाही रखेगी तो ये बात आगे ये बात बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस इसकी छानबीन तरीके से कर लेगी तो कोई ये बात नहीं बढ़ेगा। जब अपन ने रिपोर्ट डाली तो क्यों डाली? कहीं ना कहीं जैसे मंदिर प्रांगण में यह घटना को अंजाम दिया गया है, तो इससे क्या प्रतीत होता है आपको? ओसे साहब, इस गांव में कोई विवाद वाली बात नहीं है, हिंदू और मुसलमान हैं, सब भाई जैसे रहते हैं, कोई बात की विवाद नहीं है। पर कोई पापी ऐसा पैदा हुआ है कि यह विवाद हिंदू मुसलमान में भरना चाहता है। सर, लालपुरा में एक हरे वृक्ष काटने का मामला आया है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी आगे? कल शाम को ग्रामीण जनों के द्वारा मेरे पास फोन आया कि यहाँ पे जो देवनारायण मंदिर प्रांगण है उसके एक या दो नीम के वृक्ष काट दिए गए और एक में धारदार औजार द्वारा निशान बना दिया गया। मौके पर जब मुआयना किया गया तो पाया गया कि उसमें जो पेड़ है एक नीम का, वो हल्की हवा आंधी उसमें जो कि पहले से ही कटा हुआ था और थोड़ी सी हवा चलने के कारण गिर चुका है। तो इसके लिए हमने मौके पर पंचनामा और प्रतिवेदन बना लिया है, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी के पास अग्रेषित कर दिया जाएगा एवं जो भी इसके लिए दोषी है उस पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।